बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मधु मांडिल आज आपको हिंदी में पाठ 14 चाचा चौधरी पाठ को समझाने जा रही हूँ। आप इस पाठ को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। हरियाणा के एक गांव रामपुर में राम सिंह चौधरी नाम के किसान रहते थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। गांव के बच्चे उन्हें प्यार से चाचा चौधरी कहते थे। चाचा चौधरी मजाकिया स्वभाव के थे। एक दिन की बात है, चाचा चौधरी अपने घर में खाना खा रहे थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ बैठी थी। रात का समय था। उस समय चार चोर कहीं चोरी करने के लिए घूम रहे थे। अवसर पाकर वे चाचा चौधरी के घर में घुस गए। तो बच्चों, हरियाणा का एक गांव रामपुर था। वहां राम सिंह चौधरी नाम के किसान रहते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। गांव के बच्चे उन्हें प्यार से चाचा चौधरी कहते थे और उनका स्वभाव मजाकिया भी था। एक दिन की बात है, जब चाचा चौधरी खाना खा रहे थे तो उनकी पत्नी उनके साथ बैठी थी। उस समय चार चोर कहीं चोरी करने के लिए घूम रहे थे। अवसर पाकर चाचा चौधरी के घर में घुस गए। चाचा चौधरी ने उनको घर में घुसते हुए देख लिया। चारों चोर दूसरे कमरे में दरवाजे के पीछे जाकर छिप गए। चाचा चौधरी अपनी पत्नी से जोर जोर से बातें करने लगे। उन्होंने कहा, हमारे घर के पीछे जो खेत है उसके पास के कुएं में सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक है। हम कल सुबह कुएं का सारा पानी निकाल कर वहाँ से निकाल लेंगे। तो क्या हुआ बच्चों, चाचा चौधरी ने अपने घर में चोर को घुसते हुए देख लिया तो वे अपनी पत्नी से जोर से कहने लगे कि हमारे घर के पीछे जो खेत है उसके पास जो कुआ है उसमें सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक है। हम कल सुबह कुएं का सारा पानी निकाल कर उस संदूक को बाहर निकाल लेंगे। चोरों को सुनाने के लिए की गई यह बातचीत चोरों ने सुन ली। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम रात को ही वह संदूक कुएं से निकाल लें। वे चारों चुपचाप वहां से खिसक लिए और सीधे खेत में जा पहुंचे। वहां वे बाल्टी से कुएं में से पानी निकालने में जुट गए। वे पानी को बाल्टियों में भरते और खेत की नाली में उड़ेल देते। नाली के द्वारा सारा पानी धीरे धीरे खेत में जा रहा था। तो बच्चों, आपने देखा, चाचा चौधरी ने बड़ी चालाकी से जोर से कहा कि हमारे घर के पीछे जो खेत है उसमें एक कुआ है, उसमें सोने का संदूक है। ये बात क्या कर ली, उन चोरों ने सुन ली। चाचा चौधरी ने ये बात चोरों को सुनाने के लिए ही कही थी। तो चारों चोर चुपचाप चाचा चौधरी के घर से चुपचाप खिसक लिए और खेत में पहुंच गए। वहां वे बाल्टी से कुएं में से पानी निकालने में जुट गए और वो निकला हुआ पानी क्या कर रहे थे, वो खेत की नाली में उड़ेल देते थे। तो वहां पानी सीधे नाली के द्वारा सारा पानी धीरे धीरे खेत में पहुंच गया। रात ढली और सुबह हो गई। चाचा चौधरी अपनी पत्नी के साथ खेत में पहुंचे। थकान और नींद के कारण चारों चोर बेसुध होकर सो रहे थे। चाचा चौधरी की पत्नी ने पूछा, ये चारों कौन हैं। अब क्या हुआ बच्चों, जब रात ढली और सुबह हुई तो चाचा चौधरी अपनी पत्नी के साथ खेत में पहुंच गए। थकान और नींद के कारण चारों चोर बेसुध होकर सो रहे थे। चाचा चौधरी की पत्नी ने पूछा चाचा चौधरी से, ये चारों कौन हैं। चाचा चौधरी ने उत्तर दिया, ये चारों चोर हैं, यह
रात को हमारे घर चोरी करने आए थे। मैंने इन्हें घर में घुसते हुए देख लिया था। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे ही अपने खेत की सिंचाई करवा लूँ। हमारे मजदूर आज छुट्टी पर थे, इसलिए मैंने रात को तुम्हें बताया था कि हमारे खेत के कुएं में सोने के सिक्कों से भरा संदूक है। सोने के लालच में ये रात भर कुएं से पानी निकालते रहे और हमारे खेत की सिंचाई भी हो गई। तो चाचा चौधरी ने कहा कि ये चारों चोर हैं, ये रात को अपने घर में चोरी करने आए थे। मैंने इन्हें घुसते हुए देख लिया था। तभी मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं से अपने खेत की सिंचाई करवा लूँ। तभी मैंने और अपने मजदूर भी आज छुट्टी पर थे, इसलिए मैंने रात को तुम्हें ज़ोर ज़ोर से ये बताया कि खेत के कुएं में सोने के सिक्कों से भरा संदूक है। इसी लालच में ये रात भर कुएं से पानी निकालते रहे और हमारे खेत की सिंचाई भी हो गई। यह सुनकर चाचा चौधरी की पत्नी हंसने लगी। चाचा चौधरी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नींद में बेसुध पड़े चोरों को पकड़ा और थाने में ले जाकर बंद कर दिया। गांव में चाचा चौधरी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा हो रही थी कि चाचा चौधरी ने खेतों की सिंचाई भी करा ली तथा चोरों को भी पकड़वा दिया। तो बच्चों, चाचा चौधरी मैंने पहले ही बताया था बहुत बुद्धिमान थे तो और हर काम को सूझबूझ से करते थे। यह सुनकर जब चाचा चौधरी ने अपनी पत्नी को बताया तो यह सुनकर चाचा चौधरी की पत्नी हंसने लगी और चौधरी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस नींद में पड़े चोरों को पकड़कर ले गई और थाने में बंद कर दिया। गांव में चाचा चौधरी की बुद्धिमानी की क्या हो रही थी बच्चों? प्रशंसा हो रही थी कि चाचा चौधरी ने खेतों की सिंचाई भी करवा ली और चोरों को भी पकड़वा दिया। तो बच्चों, हमने इस कहानी से यह शिक्षा बच्चों हमको इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता या सूझबूझ से हम किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, इससे संबंधी अभ्यास कार्य भेजा जा चुका है, उसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और याद कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।